हम आने वाले समय में शहर में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कहीं भी दो घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकेगा, दो घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकेगा। बंसल हांसी की आवाज से आज मैं हांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी के आवास पर बैठा हूं। अक्सर ये लोगों के ग्रीवेंसीज लॉकडाउन के चलते सुनते रहते हैं और स्वयं वार वॉरियर की तरह यानी कि शहर के अंदर अपने हलके के अंदर घूम घूम कर एक एक खबर लेते हैं और सेवा करते हैं लोगों की, जो इनका दायित्व भी है। हल्के के लोगों की इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और उनकी खरा उतरने का ये पूरा प्रयास कर रही है। हमारे बीच विधायक महोदय विनोद भ्याना जी किसी पीछे के मोहताज नहीं हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं दूसरी बार विधायक बनके लोगों के बीच में सेवा करने का दायित्व इन्होंने लिया है। सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और वेलकम करता हूँ साहब। बहुत दिनों बाद आपका हमसे तारुफ हुआ, रूबरू होने का मौका मिला हमें आपसे। धन्यवाद राजीव जी, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और आपके दर्शकों को प्रणाम भी करता हूं। सर ये आपका बड़प्पन है, हाल ही में चीन ने एक हिमाकत की और धोखे से यानी कि हमारे सैनिकों को हालात कर दिया, 20 सैनिक ऐसे सोल्जर्स थे जो हालात कर दिया, अब विदेश नीति के नाम पे धोखा देता है तो आपका ऐसा है। राजीव जी, मैं सबसे पहले तो हमारे भारतवर्ष के जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं कि जो वो लाल भारत माँ के लाल थे, पूरे भारतवर्ष को उनकी शहादत पे दुख है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी देश अपने आप को ज़्यादा ताकतवर मत समझे, हम किसी से कम नहीं हैं और हम हर बात पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और समय आने पर इसका माकूल जवाब देंगे, ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मैं अपनी तरफ से उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक शहर की एक शख्सियत जो नहीं रही, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय व्यवस्था प्रमुख रहे, एडवोकेट रहे, पुण्य उदय क्षेत्र के संरक्षक रहे बाबू सुरेंद्र जैन जी, कल ही उनका निधन हुआ, आपने उनके अंत्येष्टि में भाग भी लिया, तो उनके बारे में क्या कहना? हाँ, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको नतमस्तक होता हुआ। कल जैसे ही मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मुझे पता चला तो मैं सीधा वहाँ गया, उनके घर पे उनको नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मैं उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल हुआ। उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के हित में एक स्वयंसेवक के रूप में पूरे राष्ट्र को समर्पित किया और इस उम्र में भी वो व्यवस्था प्रमुख, प्रांत व्यवस्था प्रमुख का दायित्व संभाले हुए थे, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जाने से मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी आघात लगा है और उनके जाने से एक ना पूर्ण होने वाली क्षति हुई है। बाकी परमपिता परमात्मा की मर्जी के आगे हम नतमस्तक हैं, जो उन्होंने किया उसको हम मीठा करके मानेंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से परम पूजनीय श्री सुरेंद्र जैन जी, जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाया, उनको नतमस्तक होता हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं डिपू एसोसिएशन के प्रधान भाई दुनीचंद जी, क्या समस्या आज प्रधान जी के, आप विधायक महोदय के आवास पे आए हैं एक डेलीगेशन? डिपू वालों को कमीशन नहीं मिल रहा, हाँ, 4-5 महीने से, हाँ, उस वजह से आए हैं हमारे पास। नहीं, लॉकडाउन के दौरान तो एक डायरेक्शन जैसी आई थी कि आप लोगों ने फ्री राशन बांटना है, तो उसमें हाँ वो तो बांट दिया जी, हाँ, अब उसके बाद भी कमीशन नहीं मिला हमारे को। नहीं, उस दौरान का भी कमीशन मांग रहे हैं क्या आप? क्या समस्या आपकी, बेसिक बताइए मुझे। वो कमीशन नहीं मांग रहे जो बात की है,
बाद में। हाँ जी। अच्छा, तो आज विधायक महोदय से आप एक डेलीगेशन मिलने आया है, थोड़े से लोग आए हैं यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर। क्या मेमोरेंडम क्या है आपका? हाँ, वो ज्ञापन दे रहे हैं मैडम साहब को। हाँ, क्या है उसमें मेमोरेंडम में, कोई बताएगा क्या आप में से? मैं गुलशन मजोका जिला प्रधान हिसार। आज हम विधायक माननीय विधायक जी को मिले हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान 5 महीने काम किया है, उसका हमें सरकार ने कोई कमीशन अभी तक जारी नहीं किया है। जो सबसे हमारी मेन समस्या है, सरकार को हमने अप्रैल मास का जो राशन पैसा था राशन का, वो हमने जमा करवा दिया था, वो उससे सरकार के पास था, सरकार ने वो राशन हमारा फ्री में बंटवा दिया। अब जैसे जुलाई में पैसे लेके पब्लिक को राशन देना है, और सरकार ये कह रही है कि आप हमें नया पैसा दो, पुराना आपका भी रिफंड नहीं होगा। तो इन समस्याओं को लेके आज विधायक जी के पास आए हैं जी, हमारी समस्याओं का कोई समाधान करवाया जाए। सर, ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है कि भी ये कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो राशन वितरण किया था उसका कमीशन नहीं मिला 5 महीने का, और आने वाले आगामी जो यानी कि दिनों का जब आश्वासन दिया था उसका भी कमीशन नहीं मिला है। तो ये आप ऐसा लेके आए हैं? ये ऐसा है, ये मामला मेरे अभी संज्ञान में आया है, और मैं इनकी बात अभी पूरी तरह सुन ही नहीं पाया था कि आप आ गए। जो अभी मैंने सुना है कि जो कोरोना के दौरान जो 3 महीने का सरकार ने फ्री राशन लॉकडाउन के दौरान बांटा, आप उस कमीशन की बात कर रहे हैं? उस कमीशन की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा बाकी तो सरकार ये मेमोरेंडम दे रहे हैं सभी के बयान साहब को, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिएगा, कुछ एक लोग आइएगा। मैंने इसको अभी देखूंगा क्या क्या मेरे संज्ञान में मामला भी आया है, क्या क्या दिखते हैं इनको, वो सारी एक एक करके देखूंगा। और इसके विषय में चाहे मुझे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में डायरेक्टर महोदय से, या हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं उनसे, क्योंकि ये एक हांसी की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रांत की समस्या है, स्टेट की समस्या है, और मैं इस पर पूरा एक बार गौर करके जहाँ भी मेरे को बात करनी पड़ी बात करके जो भी इनकी मैं इनको रिलीफ दिला सकता हूँ जरूर दिलवाने का काम करूँगा। सर, मेरी एक बात आपसे निवेदन भी है, शहरी होने के नाते मानसून दस्तक दे रहा है, प्री मानसून 20 या 19 हो गई है, 20-22 तारीख को दिल्ली तक आ जाएगा। हांसी में पानी आने से थोड़ा सा जल भराव तो होता है, उसके लिए वैकल्पिक प्रबंध क्या करवाए हैं आपने, विभागों को क्या डायरेक्शन दी है? ऐसा है, हमारे इलाके की ड्रेन सारी की सारी साफ़ करवा दी गई हैं, ताकि जो खेतों में पानी खड़ा होता है वो खेतों में उससे काफ़ी फसल नुकसान हो जाती है, ड्रेन सारी हमारी साफ़ हो गई। और इसी तरह से अगर हम शहर की बात करें, शहर में पिछले 5 साल से जो हमारे सीवर के मेन होल हैं उनमें से गाद नहीं निकली, हमने पूरे 5 साल का जो गाद था एक एक मेन होल में से 2-2 ट्रेली गाद निकलवाया है, पूरे शहर के मेन होल लगभग साफ़ हो गए हैं। मैं कल पूछ रहा था एक्सियन से, कोई 10-1 वो बता रहे थे कि 10-15 मेन हॉल बाकी रह गए पूरे शहर में, जिनसे गाद निकालने का काम चल रहा है, बकेट मशीन लगी हुई हैं। और आपने राजीव जी देखा होगा कि पीछे अभी जो एक बड़ी भारी बरसात हुई थी, मैं तो समझता हूँ कि मेरे जीवन में इतनी भारी बरसात, तूफान आया, बड़ी भारी बरसात थी, और जिस गति से पानी निकला वो भी आपके सामने है, ये आपकी कार्य प्रणाली, वो आपके सामने है। मैं कहता हूँ कि वो हमने जो काम करवाया पीछे मेन हॉल साफ़ करवाने का, गंदे नाले साफ़ करवाने का, तो बड़ी अच्छी गति से पानी निकला। और अभी भी हमारे जो फील्ड में साथी हैं, हमारे वर्कर हैं जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, दिन रात लगे हुए हैं। एक कोरोना की वजह से हमने एक स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन डलवानी थी, 3 महीने लॉकडाउन हो जाने की वजह से उसमें हम थोड़ा रह गए, नहीं तो मैं तो एक वायदा करता हूँ आज आपके माध्यम से कि हम आने वाले समय में शहर में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कहीं भी 2 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा। देखो, 2 घंटे तो एक बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, एक वेल प्लान सिटी जैसे हमारा चंडीगढ़ वेल प्लान, मैं समझ पा रहा हूँ, उस शहर में भी अगर आप जाएंगे तो 1-2 घंटे पानी वहाँ भी रुकता है, और हमारा शहर तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ कई कॉलोनियाँ अपने आप आबाद हो गई, अनऑथराइज कॉलोनियाँ आबाद हो गई जिन्होंने कोई ऐसा निकासी के प्रबंध नहीं किए, मगर उसकी पूरी व्यवस्था हम देखेंगे
और आने वाले समय में मैं तो ये कहता हूँ इसी बरसात में करवा देते और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए और पानी नहीं रुकने देंगे, पानी हर हालत में निकलेगा। मगर आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करेंगे स्टॉर्म वाटर की, पूरी स्टॉर्म वाटर ड्रेन, हाँ ड्रेन की व्यवस्था करके इस शहर को, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस शहर को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाना मेरा एक ड्रीम है, प्रोजेक्ट है, और निश्चित तौर पे परमात्मा साथ दे, हांसी की जनता साथ, क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो शहर की जनता साथ दे और हमारा ऊपर वाला भगवान साथ दे, तो निश्चित रूप से। सर, आज ही गांधी कॉलोनी में एक महिला पॉजिटिव और आ गई है, इस तरह से हांसी में थोड़ा सा चिंता का विषय तो है। देखिए राजीव जी, चिंता का विषय अल्टरनेट डेज पे पॉजिटिव, चिंता का विषय ना केवल हांसी के लिए है, चिंता का विषय पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। एक महामारी आई है, इससे हम सबको अपने आप को बचाना होगा, कोरोना के साथ रह करके अपना जीविका भी चलानी होगी, अपने रोज़मर्रा के कार्य भी करने होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये आ गई और वहाँ से लोग जब शिफ्ट हो रहे हैं इधर के आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ ही ये बीमारी आ रही है। सबसे बड़ी हमारे लिए ये भी दिल्ली से ही आई, हाँ ये भी दिल्ली से, जैसा कि आप ही बता रहे हैं, ये भी दिल्ली से ही आए हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि हमें सबसे जो खुशी की बात है कि हमारा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है इसमें, कम्युनिटी स्प्रेड हाँ यहाँ नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से पूरे शहर की जनता से अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, पूरे हलका की जनता से अपील करता हूँ कि इसमें सतर्क रहें। कोरोना से डरने और घबराने की बात नहीं है, कोरोना से सतर्क रहने की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, फेस पर मास्क लगाएं, थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं, तो हम इससे बड़ी आसानी से इससे हम अपना छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भगवान की दी हुई बीमारी, इंसान के बस की तो बात है नहीं, हाँ तो उससे जैसे भी है लड़ रहे हैं और हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं इसके लिए। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाईकर्मी हैं, किस तरह से अपने आप को मौत के मुंह में रख करके एक योद्धाओं की तरह कोरोना वॉरियर बने हुए हैं और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये कोरोना की बीमारी खत्म हो और हम अपने रोजाना के जीवन में जैसे पहले चल। धन्यवाद भयाना जी, पूरा शहर, पूरा हलका आपके उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके पीछे सारी जनता होती है और जनता आपसे बहुत उम्मीद लगाए होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ज़रूर कायनात से किसी ने छेड़छाड़ की होगी, वरना आज गंगा जल की बजाय अल्कोहल से या शराब से हमें हाथ धोने नहीं पड़ते। तो कुदरत से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जैसे कि हमारे विधायक महोदय ने बताया कि हम MHA की गाइडलाइंस की पालना करें, प्रशासन का साथ दें, और विधायक महोदय जो कहते हैं वो करते भी हैं, जो उन्होंने बताया कि मेरा एक ड्रीम है कि ग्रीन एंड क्लीन हांसी बनाना, तो ये इस पे अमले जामा पहनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद। और जो मेमोरेंडम देने आए हैं इनकी भी आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं।